गाड़ी में बैठ जाओ। Family wrong. जी अपने भैया के लिए मरोगे या अपने परिवार के लिए जियोगे? हम अभी अभी मौत के करीब जाकर आए हैं, फिर से उसके साथ जाएंगे, कंफर्म मरेंगे। ये तो डिक्टेटर हैं, किसी की बात ना सुनने की वजह से ये सिचुएशन आई है। आज इसकी बीवी की हालत हुई है, कल हम भी खत्म हो जाएंगे। चलो बैठो, बैठो जल्दी, मेरी बात सुनो। ससुर जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं भैया। उस दिन कहा था कि महिमा राय से दुश्मनी मत मोल लो, सुना नहीं, आज देखिए क्या हालत हो गई। उस महिमा राय का टारगेट हम नहीं है, आप हो। तुम दिल्ली से दूर जाओगे तो ही वो हमें जीने देगी। आप बाकी सबके लिए भगवान हो, लेकिन हमारे लिए यमराज हो। हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे दूर रहेंगे तो ही हमारे बच्चे जिंदा रह पाएंगे। चलो यहाँ से, चलो चलो बैठो गाड़ी में। रुक जाइए, काव्या कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुनो, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे चाकू लगा इसलिए नहीं, कोई आपको नहीं समझता है इसलिए। इतने साल जिनके लिए आपने इतना सब किया, उन्हें नहीं आपका साथ छोड़ दिया, जिन्हें अपना समझा वो पराए हो गए। मुझसे वादा करो, तुम मेरे डैडी के पास जाओ, मेरे डैडी को संभालो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा नहीं मर चुकी हूँ। काम्या, वैसे ही वो दीदी को लेकर पहले से ही परेशान है, अब उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो वो पूरी तरह बिगड़ जाएंगे, उनसे सहा नहीं जाएगा। काम्या, काम्या तुम्हें कुछ नहीं होगा, काम्या, काम्या। मौत से जूझ रहे इस घर की बहू को तुम छोड़कर आ गए, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आई? हो क्या गया है तुम लोगों को? तुम क्या समझते हो ये सारी जायदाद किसकी है? हमारे पिताजी और उसके पिताजी भाई जैसे थे। हमारे पिताजी जब बिजनेस में धोखा खाकर अपने बच्चों के साथ सड़क पे आ गए थे, उस वक्त सिर्फ उन्होंने ही सहारा दिया था। आज जो तुम लोग इतने शानो शौकत से जी रहे हो, बड़े लोग जो हमें इज्जत देते हैं, ये सब उनकी दी हुई भीख है। भगवान को मंदिर की जरूरत नहीं होती, लेकिन बिना भगवान के मंदिर की कोई कीमत नहीं। वो भगवान है और उसके बिना इस घर की भी कोई कीमत नहीं। भगवान नहीं, हमें जहन्नुम में पहुंचाने वाला वो एक शैतान है। हमें माफ कर दो भैया,
हमसे अनजाने में गलती हो गई। भैया जहां भी होंगे हम उन्हें ढूंढ लेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। उसे आना होगा तो खुद आएगा, हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने जो एक बार फैसला कर लिया वो उसे मरते दम तक निभाता है। हमारे बिछड़ने की वजह महिमा रॉय का दामाद अभी तक जिंदा है। शूट हिम। नहीं, नहीं। तुम्हारे दोनों बॉडीगार्ड्स को उसने खरीद लिए। राज सिंहासन को छोड़ दो लेकिन प्रजा को मत त्यागो। दामाद जी, मेरी बेटी कहाँ है? डॉक्टर साहब, अब मेरी पत्नी कैसी है? Your wife is perfectly all right. घाव गहरा होने की वजह से कोमा से बाहर आने में थोड़ा टाइम लग गया। मुझे खुशी है कि आपकी पत्नी ठीक हो गई। डॉक्टर, कामिया जी अपनी बेड पर नहीं है। मेरी बेटी गई कहाँ होगी? कहीं दुश्मनों ने तो कुछ। डैडी, काम्या बेटी, सॉरी डैडी, ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको ऐसा झूठ बोला था, इन्होंने भी मेरे कहने पर ही। तू सॉरी क्यों बोल रही है बेटी, बल्कि शर्मिंदा तो मैं हूं। चल बेटी। मैडम, इतना प्यारा पति पूरे भारत में ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको, सच कहा ना मैंने। छोटे, ए, छोटे, क्या हुआ छोटे? सर, उठ छोटे, उठ। सर, आपका भाई अब किसी को नहीं पहचान पा रहा, प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आ रही है। हे हे मिनिस्टर साहब, क्या हुआ इसे? भाई की ये हालत करने वाला कौन है? ये है वो। तुम इसे जानते हो? दिल्ली को थर थर हिला देने वाला डिक्टेटर है ये। सोचा था कि वो भाग गया, लेकिन वो तो दोबारा आ गया। दामाद जी, अगर उसने दिल्ली में कदम रखा तो हमारे सारे पॉलिटिकल प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। वो बचना नहीं चाहिए। He is wrong. तुम जब यहाँ नहीं थे उसमें बहुत कुछ हो गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स को महिमा रॉय ने अपने कब्जे में ले लिया है। आई होप एवरीथिंग विल बी। चल उठ, उठ। चेंबर ऑफ कॉमर्स सीट मेरी है। इस कुर्सी पर जिसे चाहूं उसे बिठाऊंगी। अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो उसका सारा बिजनेस बंद। ये महिमा रॉय का ऑर्डर है। लोगों का भला तभी होगा जब महिमा रॉय और उसका दामाद पावर में दा रहे, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। भैया, हम कल की पहली फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। डिक्टेटर दिल्ली आ गया है, कभी भी हमला कर सकता है। डिक्टेटर के डर से हमारे लोग दुम दबाकर भाग रहे हैं। इससे पहले कि वो हम पर अटैक करे उसे खत्म कर देते हैं। इस टाइम पर डिक्टेटर के सामने जाना ठीक नहीं है। उसे बल से नहीं, बुद्धि से मारना है। सोचो कैसे। मैं बताता हूँ। तू तो उसी के घर में रहता है, फिर तू हमारी मदद करने के लिए क्यों तैयार है? तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। उस घर में रहना हमारी बदकिस्मती है। वहाँ हमारा रहना किसी कुत्ते से कम नहीं है। जब तक नहीं था ऐश से जी रहे थे। इस बार उसका किस्सा परमानेंटली खत्म हो जाए तो ही चैन से जी सकते हैं हम लोग। चाहो तो इनसे पूछ लो। हाँ मैडम, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं, उस डिक्टेटर की मौत का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। कल डिक्टेटर अपनी फैमिली के साथ कहाँ मिलेगा वो मैं बताऊंगा। तुम बस अटैक करो, अगर चांस मिस किया तो दुनिया हमें मिस करेगी। दामाद जी, कल के बाद से उस डिक्टेटर का नामो निशान मिट जाना चाहिए। उसकी मौत की खबर लेकर चैम्बर आना। मौत की खबर ही नहीं, उसकी डेड बॉडी लेकर ही आऊंगा। भैया, वहां कुछ भी हो जाए लेकिन पूजा रुकनी नहीं चाहिए।
क्या हुआ? शॉक लग गया ना? एक साल मैं तुझसे छिपकर जीता रहा हूँ। मेरा जान से प्यारा मेरा भाई तेरी वजह से मुझे नहीं पहचान रहा। लोगों को बचाकर उनकी नजर में तो तू भगवान बन गया, लेकिन आज तुझे जमीन में गाड़कर ऊपर पहुंचा दूंगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरे पंजों से नहीं बचेगा। शेर को भी जब प्यास लगती है तो सर झुकाकर पानी पीता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो वापस सर उठाकर वार नहीं कर सकता। देखने के लिए आंखें नहीं बचेंगी, सर उठाने के लिए सर नहीं बचेगा। विश्वंभर, समझ नहीं पाए? डिक्टेटर को मारने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ, तुम्हें मरवाने के लिए ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मार डालो उसे। घुस के मारता तो मर्दानगी होती, बीच सड़क पर मारता तो गुंडा कर दी, और अगर यहां मारू तो प्रायश्चित होगा।